एवरीवन, मैसेल्फ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे विटामिन B12 के बारे में और B12 प्रोवाइड करने के लिए ऐसा कौन सा लाल फल है जिसका आप इंटेक कर सकते हैं और B12 की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम B12 की बात करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि इसकी कमी अगर बॉडी में हो जाती है तो नसें कमज़ोर हो जाती हैं। नसें कमज़ोर होने के कारण ब्लड फ्लो की समस्या आने लग जाती है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। अगर हमारी बॉडी में B12 की कमी हो गई है तो थकान, कमज़ोरी और सुन्न होने की दिक्कत होने लग जाती है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से मेंटल हेल्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है भाई B12 को। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिस फल की हम बात कर रहे थे दोस्तों, वो है हमारा सेब। भाई B12 हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके फॉर्मेशन का काम करता है। इसलिए अगर आपकी बॉडी को आप चाहते हैं कि भाई ये समस्या ना आए, तो B12 के लिए आप फ्रूट्स के अंदर एप्पल का इंटेक करना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, सेब है बहुत अच्छा सोर्स। जी हाँ, B12 की कमी को दूर कर सकता है हमारा सेब। इसमें भरपूर मात्रा में B12 होता है, साथ ही इसमें विटामिन सी, विटामिन के, ये बहुत अच्छे सोर्सेस माने जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, इन उत्पाद के अलावा विटामिन B12 सेब के अलावा पनीर, दूध के उत्पाद जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर, छेना मावा, सोया उत्पाद, सोया मिल्क या बादाम में भी B12 बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, रोज़ एक सेब खाने से सलाह यही नहीं कि सेब में पोटेशियम, बोरोन और फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर माना जाता है सेब, तो डॉक्टर भी कहते हैं भाई एक सेब का इंटेक प्रतिदिन करना ही चाहिए। भाई डॉक्टर और क्या कहते हैं, हमारे डॉक्टर कहते हैं अगर भोजन में विटामिन B12 की कमी हो रही है, आप इंटेक नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों सप्लीमेंट्स के लिए आप विटामिन B12 का इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके। भाई नॉन वेजिटेरियन तो किसका इंतज़ार कर रहे हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो टूना फिश, सालमन, ट्राउट, अंडे, मांस आदि के सेवन की इसकी समस्या की कमी को दूर कर सकते हैं और अपनी बॉडी में B12 को बढ़ा सकते हैं। भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।